पहला एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे मैंने बात किया था ऐसे चुप चुप के। रामू ने रावण ने एक ही रखी। यो ब्रो लुकिंग सो कूल। ये पहले हाय गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ मेरे फर्स्ट होम, मेरे चाइल्डहुड प्लेस का होम टूर। तो यही प्लेस पे, दिस इज़ नॉट माय बर्थ प्लेस बट यही पे मेरा चाइल्डहुड बीता है। दिस इज़ माय ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस। गाइस बचपन के सारे दिन हम लोगों ने यही घर पे बिताया है। ये घर के साथ बहुत सारे मेमोरीज हैं हमारे। जब से हम लोगों ने वॉक करना सीखा है, जब से हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है, तब से हम लोग यही घर पे हैं। सो दिस इज़ एवरीथिंग। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये घर में क्या क्या है। अभी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो गया है, अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गए घर में। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पर पहले फायर ब्रिगेड थे। सो बिसाइड द फायर ब्रिगेड दिस इज़ आवर हाउस, दिस आर गैरेज। पहले गेट छोटा था, अभी बड़ा कर दिया गया है। हम लोग यहाँ से क्लाइम करते थे पहले, डायरेक्टली क्लाइम करके ऐसे यहाँ से निकल जाते थे। दिस इज़ द प्लेग्राउंड। हम लोग यहाँ पे खेलते थे पहले क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, सब कुछ यहाँ पे खेलते थे। फ्लावर इज कोपो फूल, वी यूज्ड टू से कोपो फूल फॉक्सटेल ऑर्किड। सो दिस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह है। यहाँ पे भी मेरे पापा ने लगाया ये सब ऐसे। ये एक फील एरिया हो गया, फील एरिया। यहाँ पे बैठ के आप लोग फील ले सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं फील। एंड गाइस ये भी हमारा प्लेग्राउंड हुआ करता था। हम लोग वहाँ पे स्टैम्प डालते थे और यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। फिर अगर ये ड्रेन पे आ गया बॉल, ये ड्रेन में आ गया तो वो होता था 4, और ड्रेन क्रॉस किया तो वो होता था 6। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे क्रिकेट बैडमिंटन भी हम लोग खेलते थे। ये जो आप लोग तार देख रहे हैं ना, वो तार हमारा नेट था, मतलब बहुत ऊपर से हम लोग मारते थे कॉक, फिर वहाँ से यहाँ से आता था। एंड गाइज सकलों के बहाग बिहुर बहुत बहुत शुभेच्छा मोर फल। और आज दिन तो धुनिया के सेलिब्रेट कर सेलिब्रेट मैंने आज नियम सियम क्या कभी आसे तो देखा नारीम अबियसलि बामुन दान सान दिए क्या कभी। तो यार पास जी जी है मैं अपने देखा चेस्ा करम इतना बर्तमान होम टूर चाह लो। सो गाइज दिस इज आवर बेडरूम फ्लैश लाइट। ये मेरे बचपन का रूम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे पिक्चर्स है। माय पिक्चर इग्नोर, दिस इज माय सिस्टर्स पिक्चर बहुत पहले का। यहाँ पे भी है पिक्चर्स और ये भी है, सब पुराने हैं, सब पुराने हैं। यहाँ पे मैं अपने कपड़े रखा करता था। यहाँ पे ये सब शायद मैंने ही लगाया छोटा भी मैं सब। दिस सुपरमैन यूज़ टू बी माई फेवरेट। सो ये बहुत पहले का है, बहुत पहले का, जब से शायद मैं 1-2 साल का था तब से ही ये है मेरे पास सुपरमैन। पापा ने खरीद के दिया था तो मैंने बहुत अच्छे से रखा है इसको। दिस इज माई मॉम, मॉम डैड, मॉम और कैस इज दिस, दिस इज मी, दिस इज ऑल्सो मी, दिस इज माई सिस्टर, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मैं। दिस इज़ द अनदर पार्ट ऑफ द रूम। ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। यहाँ पे हम लोग पहले एक्सरसाइज करते थे एप्स के लिए। एंड गेस हु इज दिस, दिस इज मी। यो ब्रो लुकिंग सो कूल। ये पहले बहुत बचपन का पिक्चर है ये। फाइनली आई एम गोइंग टू शो यू गाइज माई रूम, जो मेरे रूम है। ये सब इग्नोर, सिस्टर के पार्ट है ये। नाउ दिस इज, दिस वॉज माई रूम, दिस इज ऑल्सो माई रूम नाउ। सो ये मेरा रूम है। सी दिस यूज़ टू बी माई बेड, मैं यहाँ पे ही सोता था पहले जब गर्लफ्रेंड्स वगैरह थे, पहले एक्स गर्लफ्रेंड। यहाँ पे मैंने बात किया था ऐसे चुप चुप के। एंड दिस इज़ माई स्टडी टेबल, यहाँ पे मैं पढ़ता था। एंड बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने यहाँ पे, बहुत स्टडी किया, बहुत मन लगा के पढ़ता था मैं। एंड सारे किताबें यहाँ पे रखता था, यहाँ पे सब पापा के फाइल्स वगैरह। दिस वॉज द फर्स्ट वॉच शायद जो मैंने ख़रीदा था, सर्टिफिकेट्स। पहले मैं बहुत आर्ट वगैरह करता था, तो ऑल इंडिया कैमल कलर कंटेस्ट एंड फाइन आर्ट, ऑल इंडिया कैमल कलर। सो ये बहुत पुराने 2004-2002। गाइस इंटरेस्टिंगली यही वो चेयर है। अभी देखो ये रंग निकल गया, कैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। मेरे पापा बीच बीच में आता है 1-2 दिन में और काम करके चला जाता है, तो ये सब ऐसे ही है।
तो यही चेयर में मैंने पढ़ाई किया अच्छे से, यहाँ पे ऐसे बैठ के लाइट अच्छा आता था क्योंकि डायरेक्टली विंडो है यहाँ पे, फिर बीच बीच में मैं लोगों को भी देखता था यहाँ पे कौन कौन जाता है कौन कौन आता है, यहाँ से देख सकते हो देखो कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो बीच बीच में मैं पढ़ाई के टाइम ये सब भी करता था, वो देखो कौन जा रहा है से मैं टाइम स्पेंड करता था पहले पढ़ाई के टाइम बस जी कैलकुलेटर अभी भी है, आई होप ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, दिस इज गुड। रामर रावण एक ही राखी रामर हाथ रावण मृत्यु हल Okay, so guys, मैंने थोड़ा पूजा वूजा कर लिया क्योंकि ये एसमिस का नया साल है, तो आज के दिन हम लोग पूजा करते हैं ताकि पूरा साल अच्छे से जाए। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक दूसरा रूम जो है मेरे बड़े पापा और बड़े माँ का रूम है ये, कि ड्यूरिंग माई एच एस हाई सेकेंडरी दिस इज द प्लेस वेर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। तो यही टेबल था जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया, ये सब आप लोग देख सकते हैं, शार्प कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस टाइम, हाई टाइम गियर अप, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ कुछ लिखा है, लाइफ्स लास्ट चांस, सो दिस इज नॉट लाइफ्स लास्ट चांस टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बाद बहुत ज़्यादा और चांसेस है। दिस इज़ माई फर्स्ट गिटार, यही वो गिटार है जिसमें मैंने सीखा था, और यही वो फर्स्ट गिटार है जो मैंने लिया था, ये शायद मैंने प्रोबेबली 2012 में लिया है, ये शायद 10 साल पुराना हो गया है गाइस। प्लस यहाँ पे जो बुक्स है अभी भी, ये सब मेरे एचएस का ही बुक्स है अभी भी है, यहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, देख सकते हैं फिजिक्स फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, ये सब है यहाँ पे, नोट्स नीचे है, नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा। दिस इज द कम्प्लीट रूम, कम्प्लीट ये टीवी आप लोग देख सकते, बहुत पुराना टीवी है, और क्योंकि ये 2016 की ही बात है तो बहुत चीज़ें अभी पुरानी हो गई है, देख सकते हैं वाल वगैरह कैसा हो गया, क्योंकि हम लोग नहीं रहते, तो जैसे कि हम लोग एक घर से शिफ्ट हो जाते हैं डायरेक्टली, वो घर का मेंटेनेंस वो सब वगैरह बहुत कम हो जाता है, तो डायरेक्टली वो घर पुराने होने लगता है ऐसे, और ऐसे ये घर भी धीरे धीरे पुराना हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करके दूसरा बनाने का प्लान है मेरे पेरेंट्स का और मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी का। तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, ये मैंने जैसे कि मैंने बोला मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी यहाँ पे रहते थे, और दूसरा रूम हमारा था। मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ द ड्राइंग रूम, जहाँ से सब रूम्स कनेक्टेड है हमारे यहाँ पे, वो अलग सा ही रूम है, यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है अलग सा ही है। एंड गाइस दिस इज आवर ड्राइंग रूम दैट इज फिल्ड अप विद लॉट्स ऑफ स्टाफ, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है जापी एसमीज ट्रेडिशनल, और ये सब कुछ वुडन स्ट्रक्चर्स है, ये सब हैंडमेड है एग्जैक्टली, और ये है एक्वेरियम जिसमें मछली नहीं है, और गाइस ये है हाथी के दांत जो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड ऑल दिस आर मेड अप ऑफ वुड, एंड ये आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ ढोल जो हम लोग पीहू में बचाते हैं, दिस इज़ आवर ढोल, एंड दिस इज़ पेपा विच इज़ नॉट ओरिजिनल, एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ बेम्बू। और एक बार गौर से देखिए इस ड्राइंग रूम को जो बिल्कुल स्विमिंग पूल के जैसा है, एंड उसके बाद ये था मेरे दादी का रूम, मोर आईटा रूम है तो, और यहाँ पे सीसीटीवी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आप लोग नहीं रहते, तो मेरे पापा फोन से डायरेक्टली वाईफाई से देखता रहता है कि कैसा क्या। एंड गाइस दिस इज आवर किचन देखिए यहाँ पे कितना सारा सामान है, जो भी खाना है आप लोग खा सकते हैं। दिस फ्रिज इज लाइक बहुत पुराना है, इसको खोलेंगे तो दरवाज़ा शायद निकल के आ जाएगा, तो नहीं खोलूँगा मैं, देखता हूँ, बहुत पुराना है, वो निकल के आ गया, मैंने बोला था निकल के आ गया। सब लोग मिलके यहाँ पे डिनर करते थे साथ में, पहले ऐसा था कि हम लोग डिनर सेम टाइम में ही करते थे, सब लोग आके साथ में, दिस वॉज ए ह्यूज फैमिली तो साथ में करते थे, अभी ऐसा हो गया कि दो तीन लोग ही है फैमिली में, तो कोई पहले करता है कोई सेकंड करता है, तो ऐसा हो गया। ये है बैक साइड का एरिया, दिस इज द वेल, आजकल वेल नहीं दिखता है घर में, पानी ऐसे ना बहुत पानी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द टेरेस एरिया जो शायद मैं 5-6 ईयर्स के बाद जा रहा हूँ,
बहुत दिन हो गया मैं ऊपर आया ही नहीं, जस्ट वीडियो के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आज ऊपर आया हूँ एंड इट फील्स सो ग्रेट। वाह, पहले पहले हम टेरेस का मज़ा नहीं लेते थे क्योंकि घर से भी अलाउ नहीं करते थे, मम्मी लोग डरते थे सब लोग, तो इसलिए बोलते थे कि रूम में ही रहो ऐसे, तो हम लोग रूम में ही रहते थे। वी कुछ चिल ही है रे, अभी मज़ा आ रहा है टेरेस देख के। एवरीवेयर ग्रीन, आप लोग देख सकते हैं सब ग्रीन है। आजकल फोटोशूट करने के लिए या वीडियो करने के लिए हमें मतलब दूर प्लेसेस में जाना पड़ता है, मतलब यहाँ पे प्लान करना पड़ता है फिर वहाँ पे फोटोशूट करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे आप देखिए एवरीवेयर ग्रीन, इफ़ यहाँ पे भी क्लिक करेंगे फिर भी अच्छा पिक्चर आएगा बिकॉज एवरीवेयर इज ग्रीन एंड यहाँ पे कितना नेचर इज़ सो गुड, जो एयर आता है एयर इज़ सो प्योर। फिर मुंबई में ऐसा होता है कि दी एयर इज़ नॉट प्योर, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ऐसे इतना फ्रेश हवा हमें वहाँ पे नहीं मिलता है जहाँ की यहाँ पे मिलता है। ग्रीन वाइब्स, ग्रीन ग्रीन, आजकल मुझे ये गार्डन काइंड ऑफ थिंग में बहुत शौक आया है। कितना फ्रेश होगा मतलब सुबह उठ के एक्सरसाइज, रनिंग ओवर हियर, फिर जॉगिंग, सब ग्रीन ग्रीन एरिया, कितना मज़ा आएगा। वो आजकल नहीं मिलता है वैसे, मुंबई में तो है ही नहीं एंड गुवाहाटी में भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया अभी धीरे धीरे। आई जस्ट होप ये सब हमें प्रिजर्व करना चाहिए ट्रीज वगैरह, ताकि हम लोग भी ज़िंदा रह पाए, नहीं तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मर जाएंगे बहुत जल्दी। एंड गाइज, आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि आफ्टर माई HSLC मैं ये बाइक खरीदूँगा, लेकिन अभी मेरा शौक ये स्पोर्ट्स बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने तब सोचा था कि पल्सर का 350cc का बाइक निकलेगा, तो ये मैं क्या करता था कि अपने टेबल के नीचे मैं रखता था। ये टेबल है, इसके ऊपर एक ग्लास होता था, तो ये ग्लास के नीचे होता था ये, ताकि मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊँ, मुझे बाइक चाहिए ये बाइक। लेकिन मैंने ये सब कुछ भी नहीं लिया, लास्ट में मैंने क्लासिक 350 लिया, लेकिन ये बचपन के सपने थे जो अभी नहीं है। एंड गाइज, मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सा व्यू का फील ले लीजिए। पहले हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग भी ऐसे ग्रुप बना के जाते थे और घरों घरों में जाके हम लोग भी बहुत पैसे अर्न करते थे, फिर वो पैसे से हम लोग बहुत खाते थे। सो यही था आज का वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके बाद जो वीडियोज आने वाला है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ तो मैंने मस्ती अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं, वो स्टार्ट होने वाला है अभी PO के टाइम। एंड इसके बाद मैं अपने बहुत सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग एंड टेक केयर।